हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पकौड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमें हाफ के जी चिकन चाहिए, वन पिंच चाइनीज सॉल्ट चाहिए, हाफ टी स्पून हल्दी चाहिए, हाफ टी स्पून काली मिर्च चाहिए, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर चाहिए, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर चाहिए, ये होममेड गरम मसाला है, 1 टीस्पून नमक चाहिए। याद रखिए हमने चाइनीज सॉल्ट यूज़ किया है इसलिए 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब इस चिकन का मैरिनेशन करते हैं। अभी ये 1 पिंच चाइनीज सॉल्ट डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अभी कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे। हमने हाथ साफ तरह से धो लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर इसे इसी तरह इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने सारा मैरिनेशन रेडी कर लिया है। अभी इसे इस तरह से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी 10 मिनट हो चुके हैं। अगर चाहे तो आप ये फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ज़रूरत है तो इस्तेमाल करिए, वरना मत इस्तेमाल करिए। अभी इसे इस तरह से मिला लेते हैं। हमने फूड कलर मिला लिया है। हमने ये हाफ के जी जो है बोनलेस चिकन यूज़ किया है। अभी इसे डीप फ्राई करने के लिए जाते हैं, चलते हैं। हमने चूल्हा ऑन कर लिया है, चूल्हा हाई फ्लेम पर रखा है हमने। अब ये तेल डाल लिया है पैन में, तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी तेल गरम हो चुका है। अभी चूल्हा हम मीडियम फ्लेम पर कर लेते हैं। अभी ये चिकन फ्राई करते हैं। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। देखिए इस तरह से सारे चिकन को डालेंगे। अभी इस हाफ के जी चिकन को हम 2-3 पोर्शन में फ्राई करेंगे। अभी हमने इसमें चिकन डाल लिया है। अभी फ्लेम हाई करते हैं हम। इसे ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। अभी इसे तेल में डालने के बाद 2 मिनट तक नहीं हिलाएंगे, 2 मिनट के बाद इस तरह से हिलाना शुरू करेंगे, वरना ये बर्तन से नीचे चिपक जाएगा। इस तरह से डीप फ्राई कर लेते हैं चिकन पकौड़ों को।
बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पकोड़े बन रहे हैं। हमने चूल्हा हाई फ्लेम पर ही रखा है, अभी हाई फ्लेम पर रखकर इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे इसे। अभी पकोड़े तल चुके हैं, अभी हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। ये सारे निकाल लेंगे। अभी हम फिर से ये दूसरे पकोड़े तलेंगे। अभी ने पकौड़े डाल लिए हैं, अभी इस तरह से इसे 2 मिनट के बाद इसे ही चमचे से हिलाएंगे हम इसे। हम इसी तरह से इसे भी चला लेंगे। अब हमने हाई फ्लेम ही यूज किया है। हम डीप फ्राई करते वक्त एक एक कर कर ही एक एक चिकन का पीस डालेंगे। हमने जो चिकन था वो बड़ा पीनट जो होता है, बड़ी फली, उससे डबल साइज़ का ही पीस लिया था। इस तरह से बड़े पीसेस लेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। अभी ये चिकन भी डीप फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे भी निकाल लेंगे। इसको भी निकाल लेते हैं अभी ये। देखिए हमने ये भी तल लिया है। चिकन पकौड़ा बनकर तैयार है अभी। देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।